हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीएनएम के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करना है उसके बारे में बताएंगे, जिसकी अंतिम तारीख जो है वो 2 मार्च 2022 है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर सर्च इंजन जो है वो ओपन करना है। वो ओपन करने के बाद आपको www.rajswasth.nic.in जो है वो आपको टाइप करना है, जो कि इसकी वेबसाइट है, विभाग की वेबसाइट है। वो टाइप करने के बाद आपको सर्च के अंदर जाना है। सर्च में जाने के बाद सबसे पहले जो आएगा मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, जो फर्स्ट लिखा हुआ है उसको ही आपको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे ऊपर की तरफ जाना है, क्लिक हियर फॉर मेन वेबसाइट जो लिखा हुआ है वहाँ पर जाना है और उसको आपको सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेयर आएगा। इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने पर आपको जीएनएम प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम सत्र 21-22 के लिए प्रवेश, ये लिखा हुआ आएगा, आप इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसके अंदर आपको क्लिक हियर जो लिखा हुआ है ये वाला, उसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। उसको इसको सेलेक्ट करने पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, मतलब एप्लीकेशन जो है वो खुल जाएगी। इसमें तारीख लिखी हुई आ रही है कि इसकी अंतिम तारीख जो है वो 15/2 से 2/3 मार्च है। इसमें आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, लिखा हुआ है क्लियर कट। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करना है आपको, इस तरह ओपन करने के बाद यहाँ पर आपसे SSO ID जो है वो मांगा जाएगा। आपको SSO ID जो है उसमें मतलब जन आधार नंबर जो है उसके द्वारा आप यहाँ पर लॉगिन करना है। और जन आधार लॉगिन करने के बाद आप जो है आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को आपको भर सकते हैं। उसमें जो भी जानकारी मांगी गई है वो जानकारी आप उसमें भर सकते हैं। इस फॉर्म को आप ई मित्र के द्वारा भी भरा जा सकता है, ऑनलाइन स्वयं भी भर सकते हैं। पेमेंट जो होगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा किया जा सकता है, या ई मित्र के पास जाके भी जनरल के लिए 220 रुपया और ST SC जो है उनके लिए 110 रुपया फीस जो है वो जमा करा के आप फॉर्म भर सकते हैं। ई मित्र को जमा कराने के बाद रिसिप्ट जो है फीस की वो आपको लेनी है। फॉर्म भरने के बाद उसकी जो हार्ड कॉपी जो है वो भी डाउनलोड करके अपने पास रख लेनी है। ओके, थैंक यू।